नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांशु, आप देख रहे हैं टेकी दादा और आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि साटा M.2 और NVMe क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेटा कनेक्टर से। सेटा आपका एक फिजिकल कनेक्टर होता है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, जो कि आपके हार्ड डिस्क और आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ये सेटा कनेक्टर ही है जिसके थ्रू आपके हार्ड डिस्क में डेटा रीड और राइट किया जाता है। आज की लेटेस्ट जनरेशन में सेटा 3 एग्जिस्ट करता है, जो कि 500 MB तक का मैक्सिमम स्पीड सपोर्ट कर सकता है। और साथ में सेटा कनेक्टर के साथ में आपको अलग से एक पावर कनेक्टर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि सेटा कनेक्टर अपने आप पावर प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप कभी भी एक हार्ड डिस्क को देखेंगे तो उसमें दो पोर्ट्स होते हैं, एक बड़ा वाला पोर्ट होता है जो कि सेटा पावर होता है, और एक छोटा एल जैसा पोर्ट होता है जिसको सेटा कनेक्टर बोलते हैं, जो कि डेटा ट्रांसफर के काम आता है। तो M.2 और NVMe की तरफ जाने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो 2.5 इंच की SSD है वो आजकल सेटा वाली आती है, आप उसको सेटा पे कनेक्ट करके चला सकते हैं, आपको हाई स्पीड मिल जाती है। बट एक प्रॉब्लम क्या आती है सेटा कनेक्टर लगाने से SSD में, कि आप SSD का फुल परफॉर्मेंस कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप बात करें एक हार्ड डिस्क की और एक सेटा से कनेक्टेड SSD की, तो जनरली आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूँ तो आपको 100 MBPS मिल जाती है, अगर मैं सेटा वाली SSD की बात करूँ तो आपको 400 से 450 MB की स्पीड मिल जाएगी। ये काफ़ी अच्छी स्पीड है, बट ये SSD की फुल परफॉर्मेंस नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारा बॉटल नेक कहाँ पे आता है? जो बॉटल नेक है वो हमारा सेटा कनेक्टर है। जो सेटा कनेक्टर है काफ़ी पुराना है और इस वजह से ये लेटेंसी और लो बैंडविड्थ से जूझता है। तो इसी लेटेंसी और बैंडविड्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था M.2 एंड NVMe। ये दोनों ही चीज़ें क्रॉस लिंक्ड हैं। तो M.2 जो है वो एक फिजिकल कनेक्टर है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक फिजिकल कनेक्टर है जिसमें कि आपको पावर और डेटा कनेक्शन के अलग अलग कोई वायर नहीं लगानी पड़ती। इनफैक्ट आपको किसी भी वायर की जरूरत नहीं होती, सीधा कनेक्टर में आपका फिट हो जाते हैं हार्डवेयर। NVMe एक तरीके का नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस है, यानी कि अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपकी नई SSD जो कि M.2 पे चलती है उससे वो फास्टर वे में कम्युनिकेट कर सके। और M.2 जो होती है वो PCIe एक्सप्रेस लेन पे चलती है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके CPU से, और इस वजह से उसकी बैंडविड्थ जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और लेटेंसी कम से कम रहती है। इसके वजह से जो M.2 X4 वाले SSD होती है, X4 मतलब कि वो 4 लेन यूज़ करता है PCIe एक्सप्रेस का, तो उस वजह से आपको थियोरेटिकली स्पीड मिलती है 4 GBPS की। बट जो SSD की स्पीड है वो आपके परचेज किए हुए SSD पे डिपेंड कर सकती है। मार्केट में दो तरह के SSD आती हैं, एक आती है 2 लेन वाली और एक आती है 4 लेन वाली। ये कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं होती, इसलिए आपको हमेशा डब्बे पे देखना पड़ेगा उस पर X4 लिखा हुआ है या फिर X2 लिखा हुआ है। जो X2 वाली है वो 2 PCIe एक्सप्रेस लेन को यूज़ करती है और उसकी स्पीड भी 2 GBPS तक ही लिमिटेड रहती है, उससे ज़्यादा वो स्पीड नहीं गेन कर सकता। जो X4 वाली आती है वो PCIe लेन 4 यूज़ करते हैं, मतलब कि 4 लेन यूज़ करते हैं PCIe के, और इस वजह से वो 4 GBPS तक की स्पीड अचीव कर सकते हैं। बट ध्यान रखना दोस्तों, M.2 का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा आपको NVMe मिल जाएगा। कुछ मदरबोर्ड्स M.2 NVMe को सपोर्ट करते हैं, कुछ मदरबोर्ड्स M.2 SATA को सपोर्ट करते हैं, और कुछ मदरबोर्ड्स दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। तो अब बात आती है M.2 SATA क्या होता है। M.2 मैंने बताया था एक कनेक्टर होता है, तो कनेक्टर तो M.2 ही है, बट जो प्रोटोकॉल उसके पीछे रन कर रहा है वो SATA का ही है, मतलब कि SATA टेक्नोलॉजी है जो कि AHCI होती है वही उसको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से आपकी SSD की स्पीड फिर से स्ट्रगल करने लगती है हाई लेटेंसी एंड लो बैंडविड्थ की वजह से। तो अगर आपने M.2 SSD ली है जो कि SATA पे काम करती है, तो फिर भी आपकी स्पीड आपको 100% नहीं अचीव होगी। तो अगर मैं हर डिवाइस को स्पीड में कैटेगराइज करूँ तो सबसे लोएस्ट स्पीड जो हमारी होगी वो होगी हार्ड डिस्क से, जो कि हमारा SATA कनेक्टर पे या SATA प्रोटोकॉल पे चलता है। सेकंड पे अगर मैं बोलूँ तो वो होगा हमारा 2.5 इंच वाली SSD जो कि SATA कनेक्टर पे चलती है। थर्ड अगर मैं बोलूँ तो वो होगी M.2 SATA SSD जो कि आपके 2.5 इंच SSD से थोड़ी फास्टर चलती है बिकॉज ऑफ दी M.2 स्लॉट। और अगर मैं सबसे फास्टेस्ट की बात करूँ, सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड मिलेगी आपको वो मिलेगी M.2 NVMe SSD पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोटोकॉल दैट इज NVMe और M.2 कनेक्शन की वजह से। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पूछ सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू लेटर।